और शुगर के अंदर कौन सी जड़ी बूटी हमने इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी शुगर इंसुलिन वगैरह आप लगाते हैं जिसके बावजूद जो है आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है और मज़ीद बढ़ती चली जाती है। एक छोटी सी चीज़ है, जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल है, और ये जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं और जो है अफीम का नशा करते हैं, तो उनके नशे को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है, शुगर के लिए बेहतरीन इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से और शुगर के अंदर कौन सी जड़ी बूटी हमने इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी शुगर को कंट्रोल कर सके। वो आम सी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि जो हम उसका कोई भी मीठा वगैरह हम इस्तेमाल करना चाहें और हम मीठा इस्तेमाल करें तो वो हमें अफेक्ट ना करें और शुगर भी हमारी कंट्रोल रहे, उसके बारे में हम आपको आगे चल के वीडियो के अंदर बताएंगे, उसकी नाम भी बताएंगे, उसके आवाज़ भी बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास मौसूल हो सके। वीडियो की तरफ चलते हैं और बताते हैं कौन सी जड़ी बूटी हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। शुगर के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी हम आपको बताएंगे कि कौन सी जड़ी बूटी हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत सारे आपने नुस्खे वगैरह इस्तेमाल किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की होगी जिससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, और इंसुलिन वगैरह आप लगाते हैं जिसके बावजूद जो है आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है और मज़ीद बढ़ती चली जाती है। एक छोटी सी चीज़ है, जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल अगर आप डेली बेसिस के ऊपर करेंगे, कोई भी मीठा खाने से पहले अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आपको मिलेगा, उसका जायका आपको पता नहीं चलेगा, कोई भी मीठा आप खा रहे होंगे। तो उस जड़ी बूटी का नाम है गुरमार बूटी, और ये बेहतरीन प्रोडक्ट है जो सम शुगर के लिए बेहतरीन रहती है। इसकी मिजाज की बात करें तो ये मिजाज इसका गर्म और खुश्क है। मकाम पैदाइश की इसकी बात करें तो मकाम पैदाइश ये हिंदुस्तान है। इसकी मकदार की बात करें तो 30 ग्राम से 60 ग्राम इसका इस्तेमाल करता है किया जाता है, और ये जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं और जो है अफीम का नशा करते हैं, तो उनके नशे को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है, शुगर के लिए बेहतरीन इस्तेमाल होती है। कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये बेहतरीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल से थोड़ी देर पहले ही आप ये एक पत्ता आप मुंह में रख के अच्छी तरीके से चबा लें, जब आपको कोई मीठा खाना है तो उसके बाद आप ये खा सकते हैं। और शुगर के नुस्खे के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएँगे कि कौन सी नुस्खे हमारे शुगर को कंट्रोल कर सकती है और इंसुलिन से हमारी जान छुड़ा सकती है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों के पास मौसूल हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।